मेरा नाम कीर्ति सौरभ है, मैं पटना बिहार से हूँ। मुझे पैंक्रियाटाइटिस सितंबर 2017 से है। सबसे शुरू में मुझे अटैक आया तो मैं समझ ही नहीं पाया था कि मुझे हुआ क्या है। घर वाले सारे लोग परेशान हो गए थे कि अचानक से इसको क्या हो गया, इतना हट्टा कट्ठा लड़का, सब कुछ ठीक था। उस समय मेरा वेट जबकि 72 किलो था और मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसा पहले मुझे कुछ हुआ नहीं था। फिर मुझे हॉस्पिटलाइज तुरंत करना पड़ा था। फिर वहाँ पे वही सेम रूटीन कि पहले इनको गैस का इंजेक्शन देना, फिर वोमिटिंग गैस इंजेक्शन देना, फिर एमआईलेज लाइफ पे चेक करना, ये सब होके मुझे आईसीयू में वो लोग एडमिट कर लिए। फिर 24 आवर वो एनओपी किए, कुछ भी खाना पीना कुछ भी नहीं, ना पानी। फिर 24 आवर ऑब्जर्वेशन करने का, फिर एमआईलेज लाइफ का टेस्ट हुआ, फिर सब कुछ ठीक हो गया, फिर मुझे उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। फिर इसी तरह का हर एक महीना मुझे अटैक आते रहता था। फिर मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं AIG जाऊँ, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैदराबाद। फिर वहाँ पे मेरा एक डॉक्टर है रूप ज्योति तालुकदार, उनसे मेरा इलाज चल रहा था। फिर मैंने लगभग 1 ईयर वहाँ पे इलाज किया करवाया अपना। फिर वहाँ पे मेरे पैंक्रियाज के ऊपर में 2 सिस्ट था, ठीक है। जब मैं वहाँ पे शुरुआत में गया था तो सिस्ट का साइज बहुत कम था, फिर बट वहाँ पे इलाज चल रहा था बट कुछ उससे फ़र्क नहीं पता चला और मेरा सिस्ट का साइज काफ़ी इंक्रीज हो गया। फिर मुझे लग रहा था कि यहाँ पे दिखवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने नेट पे सर्च किया इंटरनेट के थ्रू, फिर सारी जगह मैं हाथ पैर मार रहा था कि कहीं से मुझे कोई रास्ता मिले कि मेरा इलाज ठीक हो पाए। तो मैं नेट सर्च कर रहा था तो मुझे पड़ाव के बारे में मिला। वहाँ पे बहुत सारे मैंने टेस्टिमोनियल्स देखे और मैंने खुद उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि आप जाइए, आप सही हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, आपका कोई ऐसा केस है नहीं। क्योंकि जिन लोगों से मैंने बात किया उनका बहुत बहुत मेजर केस था, उनको 7-7 8-8 साल से, किडनी का तो 15-15 साल से पैंक्रियाटाइटिस था, उनका ठीक हो चुका था। तो मुझे भरोसा हुआ, फिर मैंने यहाँ पर बात किया नया पड़ाव देहरादून। फिर उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, 2 महीने बाद का अपॉइंटमेंट दिया था जब मैंने करवाया था। तो अप्रॉक्स आई थिंक जुलाई में मैंने बात किया था और मुझे अगस्त का नंबर लगा, नहीं सॉरी सितंबर का मुझे अपॉइंटमेंट मिला था। 16 सितंबर का मुझे अपॉइंटमेंट मिला और फिर मेरा वहाँ पे 21 डेज का कोर्स चला और वहाँ पे मुझे सब कुछ खाना पीना वगैरह सब कुछ सेम उन्होंने डाइट फॉलो करवाया, वहीं पर दवा किया, सब कुछ अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। फिर देखा कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। फिर ये कि हाँ इन मीन टाइम मुझे डायबिटीज़ भी डेवलप हो गया था जो कि प्रायर नहीं था, ठीक है। फिर डायबिटीज़ का भी उन्होंने मुझे मेरा इलाज करवाया और फिर आज मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और मेरा MRCP मैंने करवाया और MRCP को देख के मैं बहुत ही खुश हूँ। मम्मी भी मेरी बहुत खुश हैं, घर वाले सारे लोग खुश हैं कि मेरा पैंक्रियाटाइटिस पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और पैंक्रियाज नॉर्मल आ गया। पूरे MRCP में कहीं भी पैंक्रियाटाइटिस का जिक्र नहीं है और फिर उसको क्लिनिकली जो ब्लड रिपोर्ट से मिलाया जाता है उस पर मिलाया गया और सब कुछ ठीक है। मैं बहुत ही खुश हूँ, अब मैं आजाद हूँ मैं कुछ भी करने को। थैंक यू।